सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट को लेकर। आप लोग कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी इस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम इस टाइम अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर या फिर पेज लॉग आउट हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम जो है 5 मिनट 6-6 मिनट तक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसे यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, यदि सर्वर का इशू आता है तो भी। तो आप, लेकिन कुछ टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, इसका मेन रीज़न था कि इस चैनल पे स्ट्राइक आ चुका था, इसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली स्ट्राइक रिमूव हो चुका है, तो अब से इस चैनल पे रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस टाइम जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम तो देखने को मिल रहा है। नंबर वन, आपका IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC के वेबसाइट पेज लॉग आउट हो जाता है, जिसकी वजह से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट पहले लॉग इन करना है IRCTC की वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। यदि आप इस तरह से 1 से 1.5 मिनट पहले लॉग इन करते हैं तो आपका पेज लॉग आउट होने के काफ़ी कम चांसेस रहेगा। यदि आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आता है पेज लॉग आउट हो, तो कोशिश करो आप लोगों को न्यू अकाउंट यूज करने के लिए, यानी कि IRCTC न्यू अकाउंट आपको क्रिएट करना है, बनाना है और फिर से नया अकाउंट से टिकट बुक करने की कोशिश करना है, जिससे कि आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर में, जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 4 मिनट 5 मिनट तक IRCTC के वेबसाइट या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते हैं, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर देखने को मिल रहा है 5-7 दिन से लगातार, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे 6 मिनट 7 मिनट तक। और इसके बाद जब तत्काल टिकट बुक करने के लिए कोशिश करते हैं, जब तक फाइनल पेमेंट पर पहुँचते हैं तब तक टिकट खत्म हो गया होता है। तो ये प्रॉब्लम IRCTC के सर्वर से है, तो ये बहुत ही जल्द प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा। और यदि इस तरह की भी प्रॉब्लम लगातार आता है तो आप लोगों को बार बार ट्राई करके करते रहना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से। जैसे ही सर्वर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तो आप लोगों को IRCTC वेबसाइट या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप प्रॉपर वर्क करने लगता है। लेकिन हार्ड रूट में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सर्वर डाउन होता है, जब 5 मिनट 6 मिनट बाद सर्वर चलता है, जब तक सीट खत्म हो गया होता है। तो यदि हार्ड रूट है तो कोशिश करो आप लोग काउंटर से टिकट लगवाए। सेकेंड, तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है, एक साथ 1 से 2 नाम ही बुक करें। यदि आप ज़्यादा नाम बुक करते हैं, 3 से 4 नाम, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बात हम करते हैं पेमेंट मेथड का। इस समय की बात किया जाए तो पेमेंट मेथड के मामला में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को फोन पे यूज कीजिए। नंबर वन, यदि फोन पे आप लोगों के अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे पेटीएम वॉलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप पेमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है पेटीएम वॉलेट से और फोन पे से। हम लोगों को तत्काल टिकट बुकिंग में किसी खास टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और कुछ जानकारी चाहिए मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।